नमस्कार, मैं उषी घासरे और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में लगातार घटनाएं जो है स्पेशली महिलाओं के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल में बलात्कार के केसेस या फिर मर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई केसेस है सुनने में आ रहे हैं, लेकिन आज जो सुबह सुबह खबर आई है वो वाकई में कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला है। जी हाँ, ऐसे लोग घर बनाते हैं, घर को स्वर्ग समझते हैं और समझते हैं कि बाहर से जब कमा के आएंगे तो घर में जो है सुरक्षित रहेंगे, सबसे सेफ प्लेस है। कहते दुनिया का सबसे सेफ जगह जो होता है वो माँ का गोद होता है और घर होता है, लेकिन अब ये दोनों भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रशासन में पूरी तरीके से डेंजर हो चुका है, घर भी अब सेफ नहीं है। आपको बता दें, जनक नगर जो कि रातू रोड में है, यहाँ पर घर में के अंदर घुस के दिन दहाड़े बच्चियों को और महिलाओं को चाकू से गोद दिया जाता है, मार दिया जाता है, डबल मर्डर होता है। जी हाँ, ये बहुत संगीन मामला है। इस पर हम यहाँ की महिलाओं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ महिला है, वैसे तो उनके डेड बॉडी को फिलहाल बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए, वो डेथ हो गया है, और जो सर्वाइव करने लायक थी वुमेन उनको रिम्स भेजा गया है। क्या हालात है और क्यों हुआ ये मर्डर, क्या हुआ सारे बात हम जानकारी लेने की इनसे कोशिश करेंगे। मैम आप बताइए, आप यहाँ की रहने वाली है? यस मैम। तो आपको लगता है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? कहा नहीं जा सकता है मैम, क्योंकि वैसे लोग तो थे नहीं वो लोग, लेकिन और कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 3:30 से 4:30 बजे के बीच की ये घटना है जिसमें किसी को पता नहीं चला। तो आप कैसे कह सकते हैं 3:30 से 4:30, कुछ हलचल कुछ है कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। 4 बजे इनके, ये मेरी चाची हैं, इनके हस्बैंड उठे थे, बाहर निकले, आप ही उठी थी? हम उठे यहाँ से, जब देखे तो उनके गेट पर ब्लड गिरा हुआ था, और जाकर के फिर हम जी फिर हस्बैंड को उठाए हम कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, चल करके देखिए वहाँ क्या बात है। फिर हम लोग छत पर से, हम लोग को विश्वास नहीं, उधर से देखे अच्छा। तो वहाँ फिर गए हम और हमारे हस्बैंड, उसके बाद जा करके देख रहे हैं तो पूरा ब्लड गिरा हुआ है वहाँ। उसके बाद फिर हम लोग मोहल्ले वाले सबको उठाए जा करके, और फिर उसके पापा को जा करके बुलवाए। तब तक तो यहाँ आए उनके पापा, दरवाज़ा खोल, जब घर खोला तो क्या नज़ारा था, पूरा गिरी हुई थी माँ, बैठी हुई थी पूरा, मतलब इतना मारा गया है उसको कि वो लेडीज मतलब बोल नहीं पा रही थी। आवाज़ हमारे हस्बैंड दिए चंदा चंदा, तो वो आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। उसके बाद बेटी को देखे कि साइड में गिरी हुई है, और माँ बैठी हुई थी पूरा। जब हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए, हम गए एक बेटा तो अंदर में था। चाकू से मारा गया, क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, वो तो पूरा लग ही रहा है कि चाकू से ही मारा गया, पूरा ये कान पूरा कटा हुआ है। एक बात बताइए, महिला को सिर्फ मारा गया है, उन पे भी कोई चाकू से हमला हुआ? उन्हीं पर तो चाकू से पहले महिला पर ही हुआ है, लेकिन वो बच गई। हाँ, लेकिन अभी बची हुई है। और आपकी स्थिति, आपने जो आंखों देखा है, आपको क्या लगता है वो बचेगी, मतलब रिम्स में? मतलब आपको क्या लगता है, कोई रंजिश हो सकती है या कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं? हमको ये सब कुछ पता नहीं है। तो सुना जो देखे वही जी, जो ये आंखों देखी इन्होंने, देखा है सुबह 3:30 से 4 बजे की घटना है, और 3:30 से 4 बजे ये देखते हैं कि जो रोड पे जो है वो ब्लड गिरता है, घर के सामने पूरा ब्लड है, तो थोड़ा आशंका जगता है कि आखिर ब्लड की, ऑब्वियस सी बात है 3:30 से 4 बजे किसी घर के सामने ऐसा ब्लड होगा तो। लेकिन जब इन्होंने घर खोल कर देखा तो नज़ारा बहुत भयावह था। दो बच्चे जो है, एक लड़का एक लड़की, उनका छोटे छोटे, वो गिरे हुए, बेतहाशा गिरे हुए है, चाकू से वार है, गला है, गाल कटा हुआ है, और महिला को इतना पीटा गया है, इतना मारा गया, फिलहाल वो रिम्स में एडमिट है, कि वो बोल नहीं पा रही है, बोलने किसी स्थिति में नहीं है। क्या हो सकता है, क्या वजह है, हम थोड़ा और इसकी तहकीकात करेंगे। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को थोड़ा सामने लाए, घर के पास लाए, गेट के पास मैं चाहूँगी। यहाँ पुलिस वाले भी है, सीपी सिंह भी आ चुके हैं। जी हाँ, रांची के विधायक सीपी सिंह यहाँ पे आ चुके हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे हम। सीपी सिंह, रांची में इतने अपराध, अब मतलब घर को सबसे सेफ जगह माना जाता है, सबसे सेफेस्ट प्लेस दुनिया का, कहते हैं घर है, लोग घर में आकर रिलैक्स करते हैं, लेकिन घर में घुस के अगर मर्डर हो जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत संगीन मामला। अब देखिए, दुखद घटना है, और अपराध तो अपराध होता है, अपराधी कहीं भी कोई घटना को अंजाम दे देते हैं। अब पुलिस का काम है कि वैसे अपराधियों को पकड़े। पहली बात तो ये है कि जब अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ होता है, कोई भी अपराधी रहे, पुलिस का भय समाप्त होता है, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। पुलिस का डर ही नाम का चीज़ नहीं रह गया है, अपराध करके वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि घटना घटी है, अब क्या इसका मामला है, कैसे है, क्यों हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, अनुसंधान पुलिस करेगी,
और इसका उद्भेदन भी पुलिस करेगी। मेरा बस इतना ही मांग है कि भाई अब वैसे अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो कोई भी हो, वैसे लोगों का उद्भेदन करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, क्योंकि जो चला गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन क्योंकि उनकी माँ अभी जिंदा हैं तो बहुत सी बातें उन्होंने बताई होंगी या उनको जानकारी में होगी, तो सारी चीज़ें ये पुलिस अनुसंधान मेरे ख्याल से करेगी और करके उद्भेदन भी करेगी और वैसे लोगों को सजा दिलाने का भी काम करेगी। सीपी जी, महिलाओं झारखंड में, महिला में खासकर बलात्कार जैसे और आपराधिक मामले दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे, बल्कि चीज़ें को और घटना चाहिए, यानी प्रशासन क्या करेगा? मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ ना कि पूरे झारखंड के अंदर यदि बलात्कार की घटनाओं को देखेंगे तो संख्या लंबी है, 4000 से ज़्यादा संख्या ऐसी हो चुकी है। मेरा ये कहना है चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, डकैती हो या किसी भी प्रकार की घटना हो, अब पुलिस का भय लोगों से में समाप्त हो गया है, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है। इसलिए पुलिस का भय लोगों में होना चाहिए कि हम गलत काम करेंगे तो हमें अंजाम भुगतने होंगे। जब ये भय हो जाएगा तो मैं सभ्यता अपराध में कमी आएगी। इसके साथ ही आपके हिसाब से और क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे भय कायम रहे आपके हिसाब से? नहीं, देखिए आप देखते होंगे कि पेट्रोलिंग होना चाहिए, लेकिन पेट्रोलिंग साधन भी सीमित है और पेट्रोलिंग भी नाम के लिए होता है। मैं तो देखता हूँ कि बहुत सा जो पेट्रोलिंग कार होती है कहीं चुपचाप खड़ी रहती है। अरे भाई, उसका मूवमेंट जरूरी है ना। आप कहीं बैठे हुए हैं, अपराधी किसी दूसरे रास्ते से आके अपराध करके चला जाएगा और आप कोना पर हाथ मलते रह जाएंगे। मेरा कहना है कि जितने पेट्रोलिंग कार हैं उनको पेट्रोलिंग निरंतर गली गली में करते रहना चाहिए ताकि अपराधियों में भय हो कि कभी भी पुलिस की गाड़ी आ सकती है। लेकिन ये भय उन्हें नहीं है, उनसे ज़्यादा दिमाग ये अपराधी रख रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस खड़ी रहती है चौक पर, पुलिस बीच सड़क पर बैरियर लगा के चेक करती है और अपराधी जो है गली से गायब हो जाते हैं, गली से पार हो जाते हैं। मेरा कहना है ये सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, वास्तव में इसके लिए कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को यहाँ पर दिखाने के लिए, पूरे रोड के पास गेट के पास आप देख सकते हैं पूरा ब्लड, ये जो लाल खून है ये सब उन्हीं का है। ये मर्डर जो हुआ है उसका खून है, बच्चों का खून है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना दर्दनाक स्थिति है और ये भी देख सकते हैं इंटेंसिटी, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा मानो खून जो है अंदर से फ्लो होकर जो है वो नीचे बाहर की तरफ निकला है, सूख चुका है और अभी भी खून है। ये बहुत भयावह मंजर है, अगर इंसान घर में सेफ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? आप देखोगे बहुत दर्दनाक और निशंस हत्या है और ये बहुत दुखदाई है और ये ट्रेंड चला है वो ट्रेंड बहुत खराब खतरनाक है। किंतु पुलिस ने कल्प्रिट को गिरफ्तार कर लिया, जैसा अभी बताया था ना प्रभारी महोदय ने। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो दिनों दिन डिटोरिएट हो रही है। सरकार का इकबाल जब ख़त्म हो जाता है ना तो ऐसी घटनाएं होती हैं। सरकार प्रशासन क्यों होता है? और सरकारें चलती हैं इकबाल से। जो इकबाल ध्वस्त हो जाए तो अपराध कर्मियों को छूट रहती है। हम सब ने वो भी समय देखा जब भाजपा की सरकार थी तो आप यहाँ 12 बजे 11 बजे रात में आप पलामू जाओ, सिमडेगा जाओ, खूटी जाओ, कहीं जाओ, बेरोक टोक जाओ, कहीं आपको ये नहीं हो गया रात में जा रहे हैं यहाँ से पांकी जा रहे हैं, यहाँ से गढ़वा जा रहे हैं। मैं खुद 12 बजे रात में डाल्टनगंज से वापस आया हूँ। आज आप जा सकते हो क्या? आप 7 बजे खूटी नहीं जा सकते। तो ये सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, अपराध कर्मियों का मनोबल बढ़ गया है और उसका परिणाम राजधानी हो या पूरे झारखंड, देखो हत्याओं का दौर चल रहा है और आज की तो घटना बहुत दुखदाई और घृणित है। संजय जी, आपके हिसाब से चूक कहां पर हो रही है? मैंने कहा ना सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है और अपराध कर्मियों का मनोबल बढ़ रहा है। पूरे झारखंड में देखो ना भाई, राजधानी का यह हालात है,
कोई दिन ऐसा आप बता दो इन 2.5-3 सालों में इस सरकार का कि एक दिन घटना नहीं घटी हो, रोज घट रही है। तो अपराध कर्मियों का मनोबल बढ़ा है और मनोबल बढ़ता है ऐसी घटनाएं होती हैं। महिला सशक्तिकरण की इतनी बातें हो रही है लेकिन महिला के साथ दिन दहाड़े अगर ऐसी वारदात होगी महिला सुरक्षा पर क्या कहेंगे? वही ना कह रहे हैं, स्पेशली वुमन को वही मैं कह रहा हूँ, प्रशासन सरकारें क्यों बनती हैं? भय समाप्त हो जाता है, उनका कहना है भाई अपराध कर्मियों का मेरा तो भाई पहुँच है, हमको क्या होगा। वो स्थिति जब आ जाएगी तो फिर तो कोई सुरक्षित नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ पे इतना भयावह सुबह 3 से 4 बजे के बीच जो ये मर्डर डबल मर्डर है जैसा हमने आपको ब्लड भी दिखाया, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। सीपी सिंह का बयान भी हमने आपको दिखाया कि अब जो है प्रशासन का डर, पुलिस का डर जो है वो लोगों के मन से हट चुका है, अपराधी के खासकर लोगों के मन से, लोग तो भरोसा उठा चुके, अपराधी के मन से भी हट चुका है, इसीलिए इतने बेखौफ होकर घर में घुसते हैं सुबह में। एक होता है कि रात में 12 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, लेकिन सुबह 3-4 बजे का टाइम बहुत ही सुबह होता है, अगर सुबह में ऐसी घटना हो तो ये प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है और कहीं ना कहीं सरकार के सामने और प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। एक कड़ी, इस कड़े शब्दों में निंदा तो होगी इस बात की, इसके साथ ही कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि आगे कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे अपराधी का मनोबल टूटे और अपराधी ऐसे हमला करने के पहले कम से कम 10-20 बार सोचे। जी इसके लिए प्रशासन, इसलिए अपराधी के मन में जो डर और भय ये होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा सीपी सिंह ने मेंशन किया, गाड़ी अक्सर कहीं कोने में खड़े होते हुए नजर आती है, लगातार पेट्रोलिंग, गली छोटी छोटी जो गली होती है वहाँ भी पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली प्रशासन और सरकार को ही करनी है। हमारा काम तो सिर्फ आपको खबर दिखाना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।